अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो बीच में कुछ गैप आ गया था तो कुछ नहीं मैं वीडियो कोई अपलोड कर सका। तो आज हम बात करेंगे, ये सीआरटी टीवी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लोमिनर स्क्रीन लोमिनर की है, इसके अंदर जो किट है इंस्टॉल की हुई है वो चाइना किट इंस्टॉल है, ठीक है। तो फॉल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह इसमें लाइनें आ रही हैं, तो इसमें पिक्चर नज़र नहीं आती, इसमें बस इसी तरह लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर चाइना का बोर्ड, चाइना किट जो है वो इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। इसकी अपनी ओरिजिनल इसका बोर्ड नहीं है। तो हम इसको ओपन करते हैं, इसके बैक को फिर देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। ये फॉल्ट अमूमन ज़्यादातर फॉल्ट देखने में ये 180 वोल्ट के ऊपर कैपेसिटर लगा होता है, 10 UF का भी, कुछ बोर्ड में 10 UF हो, 250 वोल्ट का है, 47 UF हो, 250 वोल्ट, 1035 का इस तरह का कैपेसिटर लगा होता है और उसके ऊपर 180 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि बेस को जाते हैं, स्क्रीन की कन के ऊपर जाते हैं वोल्ट, वहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। फॉल्ट तो उसका, तो या वो ओपन हो जाए, उसकी कोई एक टांग डैमेज हो जाए तो फिर भी इस तरह का रिज़ल्ट आता है, अगर वो ख़राब होगा तो फिर भी ये रिज़ल्ट देगा। तो बार चलो इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या फॉल्ट है। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया। ये इसका बोर्ड है, ये चाइना का बोर्ड है, ठीक है, चाइना किट इसमें इंस्टॉल की हुई है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि वह 180 वोल्ट कहाँ पर मिलने चाहिए हमें, ठीक है। ये 200 के ऊपर मैंने लगा दिया, कि पहले ग्राउंड हम टच करेंगे, ये ग्राउंड मैंने लगा दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 वोल्ट, यहाँ पे 180 के लगभग, 170 180 के लगभग यहाँ पे वोल्ट हमें मिलने चाहिए, ठीक है, 180 170 के लगभग यहाँ पे। ये जो पेन है ये बेस को जाती है, ठीक है, बेस के ऊपर है, ये बेस के ऊपर तकरीबन 180 के लगभग वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर की ग्राउंड है, ये इसकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वोल्ट आप देख सकते हैं 91 हो जितना, ठीक है, ये कैपेसिटर ख़राब होगा तो भी हमारा रिज़ल्ट इसी तरह का होगा जिस तरह के आपने स्क्रीन के देखी है कि इस तरह का रिज़ल्ट है। तो अगर इसकी कोई एक पेन डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो फिर भी ये अमूमन ज़्यादातर ये ख़राब होता है। यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो लगा होता है 47 UF, 250 वोल्ट का भी होता है, इसके अलावा 10 UF और 250 वोल्ट का कैपेसिटर भी होता है, ठीक है, मुख्तलिफ लगे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी हो, इस बेस के साथ, यहाँ पे बेस का जैक है, यहाँ पे इसके साथ भी लगा होता है, ठीक है, 10 UF का कैपेसिटर होता है और 250 वोल्ट का होता है। यहाँ पे कम अज़ कम वोल्ट मिलने चाहिए 250, ठीक है, उस सॉरी 250 का कैपेसिटर है, 180 के लगभग इसके वोल्ट होने चाहिए, 180 से 170, 70 170 72 के लगभग, 180 के लगभग यहाँ पर वोल्ट हमें मिलेंगे तो हमारा जो सेट है वो ओके हो जाएगा। तो बहरहाल चलो इसको ओपन करते हैं, इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं। तो जी मैं कैपेसिटर को रिमूव करने लगा हूँ, देखने में बिल्कुल ये वाली लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा था जब कैपेसिटर खराब होता है तो उसका ऊपर से बाहर निकल आता है, ठीक है, अक्सर जो देखने आया है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके, कैपेसिटर दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो अब इसकी जगह पे हम दूसरा कुछ कैपेसिटर इसके इंस्टॉल करके ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं, ठीक है, कि उसका हमारा रिजल्ट जो है वो कैसा होगा। ये कैपेसिटर 10 UF 250 वोल्ट, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे ये लगाएंगे,
करके इसको देख लेते हैं। तो जी ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया, अब हम यहाँ पे इसके वोल्ट चेक करते हैं। तो अब हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं, अगर हमारा वोल्ट चेंज हो गई, कोई ज़्यादा वोल्ट मिलने शुरू हो गए तो हमारा सेट जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ, ये पावर दे दी इसको। अब हम इसके यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी पिन है, इस पिन के ऊपर तो आप देख सकते हैं 172। ठीक है, 172 वोल्ट मिल रहे हैं, 172 इसके वोल्ट हमें मिलना शुरू हुआ। हमारा सेट जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो पहले यहाँ पे 90-91 वोल्ट मिल रहे थे। ठीक है, तो अब जो है वो वोल्ट जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा सेट जो है बिल्कुल ओके है। तो आप देख सकते हैं, शायद आपको वो शीशे के अंदर नज़र आ रहा है, स्क्रीन हमारी बिल्कुल ओके। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सेट जो ओके हो चुका है। तो इसमें फॉल्ट जो उसका कैपेसिटर का फॉल्ट निकला, बस 10W4 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये ख़राब है। ठीक है, देखने में बिल्कुल ठीक नज़र लग रहा है, लेकिन आया इसमें ये ख़राब, जिसकी वजह से हमें हमारा जो रिज़ल्ट था वो इस तरह का। तो अब हमारा सेट बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें वोल्ट 180 के लगभग वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए, 180 के लगभग। अगर इस यहाँ पे वोल्ट कम होंगे तो फिर ये कैपेसिटर ख़राब होता है, अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस तरह का।